हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर आप उन्हें अपने B1 पे आधार कार्ड पैन कार्ड में किस प्रकार से करना है, उसे आज प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन टेक किस प्रकार से है और उसके इस प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षर करवाना है तो आपको इसको करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जगह इसको जब तक डिजिटल हस्ताक्षर नहीं रहेगा तब तक अप्रूवल नहीं होता है। इसलिए इसे किस प्रकार से करना है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हाँ फ्रेंड, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि CSE से रिलेटेड हमारे YouTube चैनल में आते रहते हैं और ऑनलाइन की पूरी जानकारी हमारे YouTube चैनल में वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए हम आज जानते हैं कि किस प्रकार से इसे हमें वेरिफिकेशन मतलब किस डिजिटल हस्ताक्षर करना है। आज हम एक और बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमें CG भुइयां का जो पोर्टल है अपडेट हो गया है, तो वहां से B1 नक्शा खसरा हमें किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसको भी बताया जाएगा, और हमें वहां से B1 एक डाउनलोड करके उसे डिजिटल हस्ताक्षर किस प्रकार से करना है उसमें हमें पोर्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और पूरी जानकारी आपको बता दें। मैं अपने कंप्यूटर में पहुंच चुका हूँ। कंप्यूटर में पहुंचने के बाद सर्च बार में आपको कोई सा भी ब्राउजर है ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको भुइयां CG हमें टाइप कर देना है। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से डायरेक्टली आप उस लिंक को क्लिक करके इस जगह पे आ सकते हैं। और अब हमें जो है ना साइड है अब चेंज हो गया है, डिफरेंस हो गया है, पहले जो साइड था उससे डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे हम यह भी बता देते हैं कि आपको कहाँ से B1 निकालना है, कहाँ से नक्शा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें आपका लिखा है खसरा विवरण, तो यहाँ से आप नक्शा भी निकाल सकते हैं, आपका खसरा और B1 भी निकाल सकते हैं, फसल B1 भी निकाल सकते हैं। और सेकेंड नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पे नक्शा देखें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नक्शा निकाल आवेदन क्रमांक में जाके यहाँ से डिजिटल हस्ताक्षर B1 भी निकाल सकते हैं आवेदन यहाँ, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज क्रमांक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही दस्ता क्रमांक डालेंगे तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं भुइयां एप्स QR कोड से स्कैन करके फर्जी दस्तावेज को आप हमें पहचान सकते हैं कि कौन सही है कौन है B1 गलत है, उसे हमें जान सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस प्रकार से फर्जी हमें B1 को पहचाना जाता है। तो जैसे कि मैं चलिए हम B1 डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप हमें उसे हमें डिजिटल सिग्नेचर को किस निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब जिला हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो जिला का जिसका निकालना चाहते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। तो जैसे इसको भरने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्रमांक डालना है, जो क्रमांक आपको जिसका निकालना है उसका क्रमांक यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। तो जैसे मैं इसका क्रमांक हमें डाल चुका हूँ और यहाँ पे देखें पे आपको क्लिक कर देना है। देखें पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह सर्च मारेगा, सर्च मारने के बाद यह नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपका आ जाएगा किसका B1 हमें निकाल रहे हैं वे। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्च मार दिया है, सर्च मारने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस प्रकार से आ गया है। और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा होगा डिजिटल हस्ताक्षर B1 लिखा है और डिजिटल हस्ताक्षर यहाँ पे खसरा लिखा है। ठीक, तो हम B1 को अब डिजिटल हस्ताक्षर करना है इस प्रकार से कर देंगे और यहाँ से डाउनलोड कर देना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे या आपका डेस्कटॉप में यहाँ सेव हो जाएगा, तो मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव कर लिया है। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद हम इसे PDF में ओपन करेंगे, तो जैसे इसको काट ले रहे हैं और होम पेज में आ जाते हैं, जैसे कि ये डेस्कटॉप में आ गए। ठीक, उसके बाद यहाँ से ओपन कर देना है आपको। ठीक, यहाँ से ओपन कर दिए हम लोग इस एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद देख सकते हैं जहाँ पे आपको हमें राइट का निशान डिजिटल सिग्नेचर करना है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यह इस प्रकार से आ जाएगा और सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिग्नेचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे शो सिग्नेचर पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ट्रूस्ट पे कॉल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं एड टू ट्रूस्ट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे फ्रेंड वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ है ना सिक्योरिटी ऑप्शन मांगेगा, तो यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट है ना डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे नीचे है ना तीनों में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ भी ओके कर देना है आपको। ओके, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे अब यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक, अब फिर बैक कर देते हैं और फिर से यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राइट का निशान हो गया है, तो सभी में राइट हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना है, क्वेश्चन टेक रहेगा उसे वेरीफाई करना है। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह भी मिलेगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड में यह सभी में डिजिटल हस्ताक्षर किस प्रकार से करना है, वे सारा का वीडियो हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहता है तब तक कोई
सरकारी काम या कहीं पे हमें कागजात ये सब मांगा जाता है तो हमें आपका सबमिट नहीं लेते हैं, तो यह सब भी करवाना आपको ज़रूरी है। इसलिए हमें इसको भी हमें जान के आप इस प्रकार से हमें डिजिटल सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल में सीएससी से रिलेटेड वीडियो हमें डलाते रहते हैं। आपको अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाले वीडियो रहेंगे आपको मिलेंगे सबसे पहले। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।